आज हम खड़े हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चैत्य भूमि पर। यहाँ पर एक अलग ही अंदाज से किसानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चल रहा है। आपको पता होगा कि 100 दिनों से लगातार किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है। इस दौरान कई किसान द्वारा आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवाई और उन्होंने शहादत दी है इस आंदोलन में। इसी शहादत को देखते हुए आज आप देख सकते हो कि बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं वह उस शहादत को याद करते हैं। यहाँ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चैत्य भूमि से मिट्टी लेकर दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाकर उन सभी किसान भाइयों के लिए वो वहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। मिट्टी देकर वहाँ पर उनकी एक भव्य तरीके से उनका मीनार बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से लोग आंदोलन के दौरान शहीद हुए या बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान। सर, किस तरह का यह आंदोलन होगा और यह मिट्टी आप कहाँ ले जा रहे हो? पहली बात तो किसान आंदोलन के समर्थन में जो एक शहीद हुए जो किसान है, जो लगभग 4 महीनों से दिल्ली में बैठे हुए हैं अलग अलग बॉर्डर पर, उनकी शहादत को सलाम करते हुए दिल्ली में एक शहीद स्मारक बनने जा रहा है, किसान शहीद स्मारक। तो ये लगभग 8-10 दिनों से देश भर में ये यात्रा चल रही है मिट्टी सत्याग्रह नाम से, और हर जगह से मिट्टी वहाँ पे जा रही है। तो मिट्टी प्रतीक है एकता का, समानता का, और ये मिट्टी सभी के लिए समान है। और ये किसान आंदोलन ने भी बता दिया है कि ये जो आंदोलन है ये किसी एक समाज का, एक जाति का या एक धर्म का नहीं है, तो ये भारत के लोगों का आंदोलन है। और मेरे ख्याल से आफ्टर यानी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है और ये अहिंसक रूप से चल रहा है। और बाबा साहब ने भी कहा है कि लोकशाही वो कैसे कहते थे कि जिस शासन व्यवस्था में एक भी रक्त का थेम ना गिरा हो उसे वो लोकशाही व्यवस्था कहते थे। तो किसान भी वही राह पर चल रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ये कानून लाए हैं 20 सितंबर 2020 को असंवैधानिक तरीके से ये कानून उन्होंने लाए हैं और उसके खिलाफ ये आंदोलन 4 महीनों से चल रहा है, और उसके समर्थन पे हम लोग ये मिट्टी यहाँ पे बाबा साहब की जो भूमि है, चैत्य भूमि है, जो ऊर्जा भूमि कहते हैं, हर आंदोलन इस देश का जो आंदोलनकारी बनता है वो बाबा साहब का फोटो लेकर ही आगे बढ़ता है। और हमने भी यहाँ पे संविधान अपने हाथ में रखा है, और संविधान को याद करो मोदी जी, संविधान को याद करो, संविधान का सम्मान करो। आप भूल गए जब दूसरे बार आप पंतप्रधान बने, प्रधानमंत्री बने, तो इसी संविधान के चौकट पर आपने अपना माथा टेका था, और आज उसी की आप धज्जा उड़ा रहे हो, ये आपको शर्म नहीं देता है? और इसलिए मैं केंद्र सरकार के इस कानून का निषेध करता हूँ, और किसानों के समर्थन में हम लोग सभी आंदोलन करते रहेंगे, और ये बाबा साहब की जो मिट्टी है ये जरूर वो किसानों को और ऊर्जा पैदा करेगी। आपने कहा कि यह किसानों के लिए ऊर्जा करने का काम करेगी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के यहाँ से ले जा रहे हो आप मिट्टी, ये किस तरह की ऊर्जा पैदा करेगी? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कोई संविधान में मानने वाले नहीं रहे, जो भी लोग हैं वो संविधान के विरोध ही काम कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो सरकार को या अपने फॉलोअर्स को या हमारे भारत सरकार के में जो बैठे संविधान का जो हमेशा तिरस्कार करते आ रहे, संविधान के विपरीत काम करते आ रहे, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, हमारी हमारा जो लोकतंत्र है अभी निचले स्तर पर आ चुका है, ये तो मैं यहाँ पे आपके सामने जरूर यानी मान्य करूँगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर काफ़ी विद्वान थे, और ये ऐसे 8वीं 10वीं पास वो भी है कि नहीं मालूम नहीं, और कोई भगोड़े और कोई तड़ीपार लोग अगर कहीं उच्च पद पर बैठ जाते हैं तो 5-10 साल के लिए वो थोड़ा संविधान का कॉमा भी नहीं हटा पाते हैं। लेकिन मुझे मालूम है जैसे केरल ने एक्ट सैंक्शन कर दिया, ऐसे बहुत से राज्य हैं जो कि इस किसान खिलाफ बिल के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो संविधान इतनी मामूली बात नहीं है कि ऐरा गैरा कोई भी आए और उसे तोड़ मरोड़ रखे, सिर्फ इतनी जरूरत है कि संविधान के बारे में जागृति करने की आवश्यकता ज्यादा है। मैडम, आपने एक संविधान पकड़ा है यहाँ पर, भारताचे संविधान, क्या कारण है कि आपको इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान पकड़ के दिखाना पड़ रहा है, क्या कारण क्या है? जी, ये जो संविधान मैंने हाथ में पकड़ा है वो हमारे किसानों के लिए एक संदेश है कि हमारा जो संविधान है
वो हमेशा उनके साथ में है और इसी संविधान के वजह से ही शायद मोदी सरकार जो है वो उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये जो कायदे उन्होंने बदले हैं, किसान कायदे हैं, वो चाहकर भी लाद नहीं पा रहे हैं पूरे देश पे। उसका कारण ही संविधान है। संविधान के वजह से ही आज भी मुझे पता है कि वहां पे जो है हमारे 300 किसान भाई शहीद हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार जिस क्रूरता से किसानों के साथ जो बिहेव कर रहा है वो उसको भी लगाम भी दे रहा है, वो संविधान ही है। तो ये संविधान है जिसके वजह से हम हैं, संविधान है उसके वजह से किसान है, किसानों के साथ में हमेशा संविधान की जो मूल्य है वो रहेंगे। और मोदी जी को जो ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखिए ये संविधान हमारे हाथ में है, आज भले ये स्नेहल के हाथ में हो लेकिन हमेशा हर भारतीय के हाथ में एक अदृश्य रूप से संविधान रहता है, रहेगा। और आप जितनी जल्दी ये समझे बात उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और इस देश के लिए भी अच्छा होगा। मोदी जी से मैं विनती करूंगी कि इस जो संविधान की मूल्य जो है वो तोड़ने मरोड़ने की कोशिश ना करें, ना कि एक पैरेलल संविधान क्रिएट करने की कोशिश करें। और वो चाहकर भी, मैं ये संविधान हाथ में लेके कह सकती हूँ कि चाहकर भी संविधान नहीं बदल सकते, तो उनकी जो ये कोशिशें हैं वो बिल्कुल नाकाम रहेगी। और इसलिए हम लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे, लेकिन उनको जो है सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। कामले जी, आपने देखा कि आपने भी इसमें थोड़ी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के यहाँ से आपने इसमें मिट्टी अर्पित की है। आज इस मिट्टी को दिल्ली ले जाया जा रहा है, इस मिट्टी में ऐसी क्या खासियत है कि लोगों को इसकी ये जो भावना है इससे क्या फर्क पड़ेगा लोगों में? एक ऊर्जा भूमि है और ये मिट्टी साधारण नहीं है। यहाँ पे बंधुत्व, समता, यानी जो बाबा साहब ने कहा था कि हम सब सारे समान है, हम सबको जो वोट करने का अधिकार उन्होंने दिया था कि सबको, यानी गरीब या श्रीमंत जो भी हो, सबके वोट का अधिकार समान होगा। वो जो ताकत दी वो ये मिट्टी की ताकत है, और ये जो मिट्टी की ताकत है वही वहाँ पर जाने वाले सारे भारतीय हम लोग, ये के संविधान का विजय होगा। हम सब लोकतंत्र वहाँ मानने वाले लोग है, हमारा आंदोलन जो भी है वो मजबूत होगा और जीतने वाले लोग हैं हम। भले हमारे आज किसान भाई शहीद हुए और कुर्बानी दी जाती है, कुर्बानी ली जाती नहीं है, कुर्बानी दी जाती है, तो आज हमारे किसान भाइयों ने हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे हक के लिए और हमारे लड़ाई के लिए वो शहीद हुए हैं। और वहां पर जो स्मारक बनने वाला है वो शहीद स्मारक उनके याद में होने वाला है, और वो संविधान के प्रति और इस भारत के प्रति वो सम्मान होगा। हम उसका सम्मान करते, इस आंदोलन का सम्मान करते, और फिर भी इस मोदी को अगर लगता होगा कि ये कुछ स्मारक बना रहे, ये बच्चों का खेल है, तो ये बच्चों का खेल नहीं है, ये मोदी को और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का ये पूरा आंदोलन है, और ये आंदोलन मजबूत करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। और ये मिट्टी उस यादगार इतिहास में, इसके इतिहास में लिखा जाएगा कि चैत्य भूमि की जो मिट्टी वहां पर गई थी बाबा साहब की मिट्टी से, अगर इसका भारत देश का बच्चा बच्चा अगर जागृत हो रहा है तो यही मिट्टी हमें न्याय दिलाई है। शहादा बॉर्डर पे स्मारक बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को पता चले कि यह जो आंदोलन था, यह जो आंदोलन है और यह जो आंदोलन चल रहा है जिसमें शहादत दी गई है, शहादत किसानों की, उसको याद करते हुए वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिट्टी ले जाई जा रही है और वहां पर बड़े भव्य तरीके से उनका शहादत के लिए जो उन्होंने एक टीम बनाई है, उसी टीम के दौरान आप देख सकते हो कि सर है हमारे साथ, वो भी दिल्ली निकल रहे हैं। सर कब तक दिल्ली जाने की कोशिश करेंगे या कब निकल रहे हो? ये दिल्ली मटका लेके जाएंगे हमारे कुछ कार्यकर्ता और ये कल तक वहां पे पहुंच जाएगा और फिर ये स्मारक को वहां पे समर्पित की जाएगी। आपने सुना कि किस तरह से वो कह रहे थे कि दिल्ली कल तक है मिट्टी चली जाएगी और आने वाले दिनों में अभी देखना होगा कि यह संघर्ष कहां तक जारी रहता है। कैमरामैन संदेश के साथ विक्रम सिंह कुंडीर, SNTV न्यूज, मुंबई।